कि आप भी सुबह की भागदौड़ में जल्दी में रहते हैं और सोचते हैं कि काश कोई झटपट नाश्ता बना देता, और फिर ब्रेड को सेकने और सैंडविच बनाने में ही आपका आधा समय निकल जाता है, और उसके बावजूद आपका सैंडविच या तो कभी जल जाता है या फिर आधे पका ही रह जाता है और बाहर की तरह टेस्टी भी नहीं बन पाता है। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं रंजीत आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 5 बेस्ट सैंडविच मेकर्स, और ये सैंडविच मेकर्स आपकी सैंडविच से रिलेटेड सारी टेंशन को चुटकियों में दूर कर देंगे। सिर्फ परफेक्ट सैंडविच ही नहीं, आप इन सैंडविच मेकर्स का इस्तेमाल ग्रिलिंग के लिए भी कर सकते हैं। बस आप इन सैंडविच मेकर्स में डाली और मिनटों में तैयार करी एकदम स्वादिष्ट और हेल्दी ग्रिल्ड डिशेज, और आप इन सैंडविच मेकर से आप हर सुबह बिना किसी झंझट का झटपट स्वादिष्ट सैंडविच बना सकते हैं और अपने घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद भी पा सकते हैं। तो दोस्त, ये वीडियो सैंडविच मेकर के ऊपर काफी डिटेल में होने वाली है और आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद से अपने लिए एक बेस्ट सैंडविच मेकर जरूर खरीद के जाएंगे और फिर आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं कि आप किस पर्पस के लिए सैंडविच मेकर खरीद रहे हैं। देखिए, आपको यह समझनी होगी कि आपको सैंडविच मेकर किस लिए चाहिए। क्या आपको सैंडविच मेकर सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए चाहिए या फिर आपको सैंडविच बनाने के साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ग्रिलिंग के लिए भी करना है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ सैंडविच ही बनाना है, आपको ग्रिलिंग नहीं करना है, तब आप कम वाटेज वाले सैंडविच मेकर की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में 700 वाट से लेकर के 800 वाट वाले सैंडविच मेकर्स आपके लिए सही रहेंगे, क्योंकि कम वाटेज वाले सैंडविच मेकर्स आपके लिए थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाएंगे। और अगर आपको सैंडविच बनाने के साथ ही साथ इसमें ग्रिलिंग भी करना है, तो आपको मिनिमम 1000 वाट वाले सैंडविच मेकर्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि कम वाटेज वाले सैंडविच मेकर्स में ग्रिलिंग करने से सारी चीजें अंदर तक नहीं पक पाती हैं। दूसरी बात, क्या आपको सैंडविच या फिर ग्रिलिंग सिर्फ खुद के लिए करनी है या फिर एक समय में कई लोगों के लिए करनी है? तो देखिए, अगर सैंडविच मेकर का इस्तेमाल आप एक से ज्यादा लोगों के लिए ग्रिलिंग करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी बड़ी हीटिंग प्लेट की तरफ जाना चाहिए, जो कि 180 डिग्री खुल सके और उसमें हायर वाटेज होना चाहिए। और अगर आपको ग्रिलिंग नहीं करना है, सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तब इसकी प्लेट 180 डिग्री नहीं खुले, तभी आपका काम चल जाएगा। अगला बात यह है कि इनके प्लेट के ऊपर जो नॉन स्टिक कोटिंग दी जाती है, वो लगभग सारी सैंडविच मेकर्स में अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रोटी मेकर्स वाले वीडियो में जनरली कुकवेयर्स के अंदर कॉमनली यूज होने वाले नॉन स्टिक कोटिंग के बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर हम लोग बात करें सैंडविच मेकर में यूज होने वाली कोटिंग्स की टाइप की, तो सैंडविच मेकर्स में अभी सिर्फ टेफ्लॉन कोटिंग का ही यूज किया जा रहा है, और बहुत रेयरली ही आपको सिरामिक कोटिंग किसी किसी सैंडविच मेकर में भी मिलेगा। वहीं अगर हम लोग ग्रेनाइट कोटिंग की बात करें, जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोटिंग होता है, मार्केट में आपको किसी भी सैंडविच मेकर में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो टेफ्लॉन कोटिंग, जो कि लगभग सभी सैंडविच में यूज होती है, इसमें भी इसकी क्वालिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स में थोड़ी अलग अलग मिलती है, पर लगभग सभी ब्रांड्स में यूज होने वाली टेफ्लॉन कोटिंग एवरेज क्वालिटी की ही होती है। अच्छी क्वालिटी की टेफ्लॉन कोटिंग जल्दी किसी प्रोडक्ट में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपका सैंडविच बनाना या फिर ग्रिलिंग करते वक्त ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अपने सैंडविच मेकर का लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर यूज करने वाले हैं, तो आपको इसके नॉन स्टिक कोटिंग की क्वालिटी से लेकर के इसकी बिल्ड क्वालिटी सब देखना होगा। बात करूं ऑटो कट ऑफ फीचर्स और हीटिंग इंडिकेटर्स की, तो वो आपको अभी की लगभग सारी सैंडविच मेकर्स में देखने को मिल जाएगा, वो आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कंपनी के सैंडविच मेकर्स की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और मैंने भी देखा कि कई लोगों की सैंडविच मेकर्स नीचे से टूट जाती हैं, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये तभी टूटता है जब आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं और इसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह हमेशा लेके जाते रहते हैं, और कई लोग तो इस पर जरूरत से ज्यादा जोर लगाते हैं, तभी इसका नीचे का बेस टूटता है। देखिए, कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसका बेस थोड़ा पतला बनाते हैं, और आप किसी भी सैंडविच मेकर के बेस को देख लीजिए, वो एवरेज क्वालिटी का ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सैंडविच मेकर एक जगह रखे जाने के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन आप इसके अपर बॉडी का बिल्ड क्वालिटी देखिएगा तो वो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर देखा जाए तो जो प्रेशर और हीट जो सहता है, वो इसका अपर बॉडी ही सहता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने किचन में सैंडविच मेकर के लिए एक फिक्स जगह बना करके रख लें, और आप अपने सैंडविच मेकर का इस्तेमाल सही से करें, तब आपका सैंडविच मेकर सालों साल चलेगा बिना किसी फिजिकल डैमेज का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने लिस्ट के प्रोडक्ट्स और उनके स्पेसिफिकेशन शेयर करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में दिखाए गए हर प्रोडक्ट की जानकारी बिना किसी प्रमोशनल प्रेशर का दिया गया है। ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने खुद रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही सिलेक्ट किया है, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट सैंडविच मेकर चूज कर सकें, और मैंने हर प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोशिश करके प्लीज आप उन्हीं लिंक से इन प्रोडक्ट्स को परचेज करें, ताकि हमें भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और इसी तरह का वीडियो लाने के लिए हम लोग मोटिवेटेड रहें।
हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर पर है केंट की तरफ से आने वाला सैंडविच मेकर। इसमें आपको इसकी ग्रिलिंग प्लेट की एरिया 23x14 सेंटीमीटर की मिलती है, जिसमें कि आप एक साथ दो सैंडविच बना सकते हैं, और इसमें साथ ही आपको मिलती है 75 सेंटीमीटर की पावर कॉर्ड। इस सैंडविच मेकर में हमें मिलती है 700 वाट की हीटिंग एलिमेंट, जो कि एक सैंडविच बनाने के लिए ठीक है, पर ग्रिलिंग के वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ मैंने इस सैंडविच मेकर को अपने लिस्ट के पांचवें नंबर पर इसीलिए रखा है क्योंकि इस सैंडविच मेकर में हमें मिलती है सेरामिक की नॉन टॉक्सिक एंड नॉन स्टिक कोटिंग, जो कि किसी भी टेफलॉन कोटिंग के मुकाबले काफी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। साथ ही यह सैंडविच मेकर आपको बेकलाइट की बॉडी, स्टील की हैंडल और मेटालिक लॉक के साथ मिलती है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर तो मिलता ही है, साथ में आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। बात करें इसके वारंटी की तो यह 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है और अमेजन पर इसका प्राइस अभी हाल फिलहाल में 1500 के आसपास है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस सैंडविच मेकर को आपको क्यों खरीदना चाहिए। तो देखिए, पूरे मार्केट में इकलौता यह सैंडविच मेकर है जिसमें कि आपको सेरामिक नॉन स्टिक कोटिंग मिलती है, जो कि टेफलॉन कोटिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी होती है, और महंगे से महंगे सैंडविच मेकर में भी आपको इस तरह का सेरामिक कोटिंग नहीं मिलता है। बात करें इसके अगले पॉजिटिव पॉइंट की तो इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका लुक व्हाइट कलर की हीटिंग प्लेट के साथ काफी अच्छा दिखता है। बात करें इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स की तो देखिए, इसमें आपको 75 सेंटीमीटर की लंबी पावर कॉर्ड मिलती है, यानी 1 मीटर से भी कम। तो अगर आपके किचन में पावर सॉकेट थोड़ा दूर है तो आपको अपने इस सैंडविच मेकर को सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए हो सकता है आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट भी बढ़ सकता है। और इसमें जो हीटिंग एलिमेंट मिलती है वो आपको सिर्फ 700 वाट का ही मिलता है, जो कि सैंडविच बनाने के लिए तो काफी है, पर स्टार्टिंग के समय में ये हीट होने में थोड़ा समय लेगा और इसमें आप ग्रिलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आप सैंडविच मेकर सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए ले रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस सैंडविच मेकर को ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लिस्ट के चौथे नंबर के प्रेस्टीज की तरफ से आने वाले सैंडविच मेकर की। ये आता है आपका 23x12 सेंटीमीटर के एरिया के एवरेज क्वालिटी के टेफलन कोटेड प्लेट के साथ। तो इसमें भी आप एक साथ दो सैंडविच बना सकते हैं और इसमें आपको मिलती है 800 वाट की हीटिंग एलिमेंट। साथ ही इसमें आपको मिलता है 1.1 मीटर लेंथ की पावर कॉर्ड। अमेजन पर यह आपको 1.5 मीटर मेंशन है, जो कि गलत है। बात करें इस सैंडविच मेकर की लॉक मैकेनिज्म और बॉडी की तो यह फुली बेकलाइट का बना है, जो कि इस प्रोडक्ट की आउटर सरफेस को हीट रेजिस्टेंस और शॉक प्रूफ बनाता है। इसमें भी आपको ऑटो कट ऑफ फीचर मिलता है विद हीटिंग इंडिकेटर्स। साथ में इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह अमेजन पर आपको लगभग 1300 के आसपास में मिल जाएगा। अगर इस सैंडविच मेकर के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो आपको ग्रिल प्लेट्स देखने को मिल जाती है तो उसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप ग्रीसिंग के वक्त ऑयल या फिर बटर का कम इस्तेमाल भी करते हैं तो ये आपके सैंडविच मेकर को बिना जलाए ही तैयार कर देगा। और दूसरी बात, इसमें जो पावर कॉर्ड की लेंथ मिलती है वो हमें अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि शायद बिना किसी एक्सटेंशन बोर्ड के ही हमारे पावर सॉकेट तक आसानी से पहुंच जाएगी। और एक अच्छी बात है कि इसमें आपको 800 वाट की हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलती है, जो कि केंट के मुकाबले 100 वाट ज्यादा है, जिससे शुरुआत में इसकी हीटिंग काफी जल्दी होगी। इसमें आप ग्रिलिंग भी कर पाएंगे लेकिन कई परेशानियां उठाने के बाद। इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, जो कि आपका लंबा साथ देगा। तो चलिए वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने लिस्ट के तीसरे नंबर पर आने वाला आईबेल की तरफ से सैंडविच मेकर के बारे में, जिसमें हमें मिलती है 23x10 सेंटीमीटर एरिया की 3 अलग अलग डिटैचेबल टेफलन कोटेड हीटिंग प्लेट्स। साथ ही इसमें आपको बटन अनलॉकिंग सिस्टम अपर साइड और लोअर साइड दोनों के लिए ही देखने को मिल जाती है। इसमें एक पेयर ऑफ प्लेट आती है टोस्टिंग के लिए और दूसरी आती है वैफल बनाने के लिए और तीसरी आती है ग्रिलिंग के लिए। इस सैंडविच मेकर में आपको 750 वाट की हीटिंग एलिमेंट और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड मिलती है। साथ ही इसमें भी आपको बेकलाइट की बनी बॉडी, हैंडल और लॉक मैकेनिज्म मिलती है। सभी सैंडविच मेकर की तरह इसमें भी आपको हीटिंग इंडिकेटर्स और ऑटो कट ऑफ फीचर मिल जाता है। और उसके साथ ही इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी और 1 ईयर का एक्स्ट्रा एडिशनल वारंटी देखने को मिलता है। पर ये एडिशनल वारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन 1 मंथ के अंदर आप इनके वेबसाइट पर करा लेंगे। इसका करंट प्राइस अभी अमेजन के ऊपर लगभग 2300 के आसपास है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें आपको क्या अच्छा मिल जाता है। तो देखिए, इसमें आपको 3 डिटैचेबल प्लेट्स की पेयर मिल जाती हैं, जिसमें कि एक वैफल बनाने वाली प्लेट मिलती है, जिससे कि आप अपने घर बैठे इस सैंडविच मेकर में बस वैफल वाले बैटर डाल करके इसमें आप रेस्टोरेंट की तरह वैफल बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो टोस्टिंग प्लेट दी गई है वो मुझे उतना काम का नहीं लगा, लेकिन इसमें जो ग्रिलिंग प्लेट दी गई है उसको अटैच करके आप इसे एक नॉर्मल सैंडविच मेकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है, इसकी प्लेट्स आसानी से एक बटन प्रेस करके ही आप डिटैच कर सकते हैं और प्लेट्स को अलग से धो भी सकते हैं। अगर इसके कमियों की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा छोटा पावर कॉर्ड देखने को मिलता है और साथ ही इसमें आपको 750 वाट का ही हीटिंग एलिमेंट मिलता है, जो कि ग्रिलिंग के लिए सही नहीं होगा।
तो अगर आपको अपने घर पर भी वैफल बनाना है तो इससे अच्छा आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वीडियो के दूसरे नंबर के सैंडविच मेकर की तरफ बढ़ने से पहले, इस वीडियो के पहले नंबर पर मैंने जो सैंडविच मेकर रखा है उसके टक्कर का इलेक्ट्रिक ग्रिलिंग पूरे मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च, रिसोर्सेज और टाइम लगता है। तो आपके इस सहयोग से हमें भी ऐसी ही नई वीडियो लाने में काफी मदद मिलती है। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते हैं और देखते हैं हमारे दूसरे नंबर के सैंडविच मेकर के बारे में। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आने वाला है विप्रो की तरफ से ग्रिल्ड सैंडविच मेकर, जिसके हीटिंग प्लेट की एरिया 23x14 सेंटीमीटर का है। और इस सैंडविच मेकर में आपको 1000 वाट का हीटिंग एलिमेंट देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको लगभग 1 मीटर का लंबा पावर कॉर्ड देखने को मिलता है। इसमें जो हीटिंग प्लेट्स मिलते हैं वो आपका 105 डिग्री और 180 डिग्री पर लॉक होकर के खुलता है, जिसकी वजह से आप इनके दोनों प्लेट्स यानी ऊपर और नीचे वाले पर आप एक साथ ग्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बेकलाइट और स्टील की बनी बॉडी और हैंडल देखने को मिल जाती है। बाकियों की तरह इसमें भी आपको ऑटो कटऑफ फीचर, टेफ्लॉन कोटिंग और हीटिंग इंडिकेटर मिलता है। इसमें आपको 2 ईयर का वारंटी मिलता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही इसका अगर प्राइस देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास रहता है। बात करें अगर इसके प्रोज की, तो अभी तक मैंने जितना भी सैंडविच मेकर बताया है उनमें आप सिर्फ सैंडविच ही अच्छे से बना सकते हैं, पर इस सैंडविच मेकर में आप सैंडविच के साथ साथ ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1000 वाट का हीटिंग एलिमेंट मिलता है जो कि ग्रिलिंग के लिए सफिशियंट हीट प्रोवाइड करता है। प्लेट्स 180 डिग्री ओपन होने की वजह से आप एक टाइम पर इन दोनों प्लेट्स को ग्रिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सैंडविच मेकर सिर्फ खुद के लिए यूज करना है, तो आपके ग्रिलिंग और सैंडविच बनाने के लिए यह एक बेस्ट सैंडविच मेकर है। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के पहले नंबर पर आने वाले बेस्ट सैंडविच मेकर की, जो कि मेरा भी पर्सनली फेवरेट है। मार्केट में जितने भी सैंडविच मेकर आते हैं उन सभी में से सबसे अच्छा सैंडविच मेकर है जो कि बोरोसिल की तरफ से आता है। इसमें आपको 2000 वाट की हीटिंग एलिमेंट और 1.4 मीटर लंबी पावर कॉर्ड मिलती है। इसके पावर कॉर्ड का लेंथ अमेजन गलत दिया है, यानी 1.2 मीटर ही लिखा है। इस सैंडविच मेकर को आप 180 डिग्री तक खोल सकते हैं, साथ ही आप दोनों प्लेट्स ग्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिलता है। बात करें इसके प्लेट एरिया की, तो इसमें आपको 29x23 सेंटीमीटर का प्लेट देखने को मिलता है, यानी इसके प्लेट्स का साइज भी बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा चौड़ा है, जिसमें आप 4 छोटे छोटे साइज के ब्रेड वाले सैंडविच आसानी से पका सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको एक्सिस ऑयल कलेक्शन ट्रे भी देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके बीड क्वालिटी की, तो इसका बॉडी आपका स्टील का और बेकलाइट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें आपको 105 डिग्री और 180 डिग्री वाली स्लाइडिंग लॉक भी दी गई है। साथ ही इसमें आपको स्लोप एडजस्टिंग स्टैंड भी दी गई है, जो कि तीखे सरफेस पर भी हमारे इस सैंडविच मेकर को सीधा रखने का काम आएगा। यही नहीं, इसमें एक एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी मिलता है, जिससे कि आप अपने हिसाब से इस सैंडविच मेकर के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको हीटिंग इंडिकेटर के साथ साथ ऑटो कट ऑफ फीचर भी देखने को मिलता है, पर इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए थर्मल फ्यूज भी देखने को मिलता है। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल का वारंटी देखने को मिलेगा, और इसका प्राइस की बात करें तो लगभग आपको यह 5000 के आसपास देखने को मिलेगा फिलहाल में। बात करें इसके प्रोज की, तो इसमें जो टेफ्लॉन कोटिंग दी गई है वो दूसरे सैंडविच मेकर के टेफ्लॉन कोटिंग के मुकाबले बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही साथ इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका लुक बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा आप मत समझिएगा कि बोरोसिल वाले ने मुझे पैसा दिया है, जी नहीं, जो सच है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको बाकियों से हट करके एक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी मिलता है, जिसकी मदद से सैंडविच या फिर ग्रिलिंग करते वक्त टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट करने में काफी काम आने वाला है। और एक अच्छी बात है, इसमें आपको 2000 वाट की हीटिंग प्लेट देखने को मिलती है, वो भी आपका 180 डिग्री ओपनेबल टॉप के साथ, जो कि हर तरह के ग्रिलिंग के लिए सफिशियंट है। तो अगर आपको सैंडविच बनाने के साथ साथ इसमें आपको चिकन, पनीर या फिर फिश का ग्रिलिंग भी करनी है, तो इससे अच्छा इलेक्ट्रिक ग्रिलर कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप कई लोगों के लिए ग्रिलिंग एक समय पर काफी आसानी से कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको सैंडविचेस भी काफी जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। अगर बात करें इसके खामियों की, तो मुझे बस एक ही कमी लगा, वो है इसका प्राइस, जो कि लगभग 5000 के आसपास में मिलता है। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में यह वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस सैंडविच मेकर को आप आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सैंडविच मेकर्स इसके आसपास भी नहीं है। तो दोस्त, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स के हीटिंग प्लेट्स और पावर कॉर्ड के साइज और डायमेंशन के बारे में बताया है, वो हो सकता है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट की जो डायमेंशन और पावर कॉर्ड की लेंथ क्लेम की है उसे मैच ना हो। और मैंने जो भी वैल्यू बताई है वो हमने काफी रिसर्च और उनकी मेजरमेंट से पता की है, और जो मैंने वैल्यू बताई है वो एक्चुअल वैल्यू बताई है। तो दोस्त, हम आपके लिए ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाते रहें, उसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आपका धन्यवाद, नमस्कार।